विश्वास हर रिश्ते की जड़ होती है। जब पति पत्नी का एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं तो वैवाहिक जीवन में अशांति होना तय है। इसीलिए पति पत्नी को एक दूसरे को हर बात बताना चाहिए ताकि दोनों के बीच भरोसा बना रहे। विश्वास का महत्व समझाने के लिए श्री रामचरित मानस में शिव सती का एक प्रसंग बताया गया है। श्री रामचरित मानस के बालकांड में शिव और सती का एक प्रसंग है, जिसके अनुसार शिव और सती अगस्त ऋषि के आश्रम में रामकथा सुनने गए। सती को यह थोड़ा अजीब लगा कि श्री राम शिव के आराध्य देव हैं। सती का ध्यान कथा में नहीं रहा और वह यह सोचती रहीं कि शिव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे श्री राम की कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं। कथा समाप्त हुई और शिव सती वापस कैलाश पर्वत लौटने लगे। उस समय रावण ने सीता का हरण किया था और श्री राम सीता की खोज में भटक रहे थे। सती को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव, जिसे अपना आराध्य देव कहते हैं, वह एक स्त्री के वियोग में साधारण इंसान की तरह रो रहा है। सती ने शिवजी के सामने ये बात कही तो शिव ने समझाया कि यह सब श्री राम की लीला है, भ्रम में मत पड़ो। लेकिन सती नहीं मानी और शिवजी की बात पर विश्वास नहीं किया। सती ने श्री राम की परीक्षा लेने की बात कही तो शिवजी ने रोका, लेकिन सती पर शिवजी की बात का कोई असर नहीं हुआ। सती सीता जी का रूप धारण करके श्री राम के सामने पहुंच गईं। श्री राम ने सीता के रूप में सती को पहचान लिया और पूछा कि हे माता, आप अकेली इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? शिवजी कहाँ हैं? जब श्री राम ने सती को पहचान लिया तो वे डर गईं और चुपचाप शिव के पास लौट आईं। जब शिवजी ने सती से पूछा कि वो कहाँ गई थीं, तो वह कुछ जवाब न दे सकीं। लेकिन शिव सब समझ गए थे कि जिन श्री राम को वे अपना आराध्य देव मानते हैं, सती ने उनकी पत्नी का रूप धारण करके उनकी परीक्षा लेकर उनका अनादर किया है। इस कारण शिवजी ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। सती भी ये बात समझ गईं और दक्ष के यज्ञ में जाकर आत्मदाह कर लिया। इस प्रसंग से विश्वास के महत्व को समझा जा सकता है। कई बार पत्नियां पति की और पति पत्नी की बात पर विश्वास नहीं करते। इसका नतीजा यह होता है कि रिश्ते में बिखराव आ जाता है। हर हर महादेव। जय श्री राम। लिखना न भूलें। नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।